टीम अलहमद बॉयज, टीम मिल्लत हाई स्कूल और टीम रईस हाई स्कूल, इन तीनों टीमों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। ठीक है, तो शुरू किया जाए पहला सवाल। मल्टीपल चॉइस राउंड का पहला सवाल अलहमद बॉयज हाई स्कूल के लिए पेश किया जाए। इवन स्पिगल इनमें से किस कंपनी के शरीके बानी है? स्नैपचैट। ऑप्शंस आने से पहले ही इन्होंने जवाब दे दिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैपचैट, हॉटमेल। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है स्नैपचैट। टीम मिल्लत के लिए मल्टीपल चॉइस का सवाल ये रहा। हाल ही में बांग्लादेश और मगरबी बंगाल में आने वाले साइक्लोन को क्या नाम दिया गया था? बुलबुल, हेलेन, हुदहुद या फिर बोनीता? बुलबुल, हेलेन, हुदहुद या बोनीता? बोनीता। बोनीता। टीम मिल्लत का आंसर है बोनीता। देखते हैं ये सही जवाब है या गलत। नहीं, आपका जवाब गलत है, सही जवाब है बुलबुल। अगला सवाल टीम रईस के लिए। रुतुबत की पैमाइश की इकाई उमूमन क्या होती है? ग्राम पर मीटर क्यूब, मिलीबार, केल्विन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर एक, ग्राम पर मीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर एक, ग्राम पर मीटर क्यूब को फ्रीज कर दिया गया है। देखते हैं सही है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। टीम अलहमद के लिए मल्टीपल चॉइस का सवाल ये रहा। आंद्रे अगासी, स्टेफी ग्राफ, पीट सैंपरास, इन खिलाड़ियों का ताल्लुक किस खेल से? टेनिस। टीम अलहमद हर सवाल का जवाब बिना ऑप्शन के ही दे रही है। ठीक है, तो देखते ही आंसर बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल टीम मिल्लत के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलए की कुल तादाद कितनी होती है? 280, 289, 300, 279। 280। ऑप्शन को फ्रीज कर दिया जाए, देखते हैं सही है या नहीं। गलत जवाब, 289 सही जवाब। ठीक है, टीम रईस के लिए उनका सवाल पेश किया जाए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस किस शहर से इस बार एमएलए मुंतखब हुए? नागपुर, लातूर, धुलिया, जलगांव। ऑप्शन नंबर एक, नागपुर। ऑप्शन नंबर एक, नागपुर। टीम रईस का जवाब, देखते हैं सही या गलत। बिल्कुल सही जवाब है ये। मल्टीपल चॉइस के खात्मे के बाद अब स्कोर ऐसा है कि मिल्लत, टीम मिल्लत का अभी तक खाता नहीं खुला है, जीरो पर है वो। अलहमद और रईस 20 मार्क्स पर है। देखते हैं ऑडियो विजुअल में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला सवाल टीम अलहमद बॉयज से ये रहा। जोर साइमन हूम, इस साइंसदा को पहचानना था। इनका जवाब है जॉर्ज साइमन ओम। बिल्कुल सही जवाब है, आपको मिलते हैं 10 मार्क्स। टीम मिल्लत के लिए तस्वीर पेश की जाए। इनका नाम बताइए इस शख्स का। आरबीआई से मुंसलिक थे पहले, एक हिंट दिया मैंने, दे दो। रघुराम राजन। रघुराम राजन, ठीक है, देखते हैं सही जवाब क्या है। विरल आचार्य नाम है इनका, आपका जवाब गलत है। टीम रईस के लिए और ऑडियो विजुअल राउंड ये रहा। इस शख्स को पहचानिए, इंटरनेट की दुनिया में एक फेमस नाम, जैक ड्रॉसी। फिर से रिपीट कीजिए, जैक ड्रॉसी। जेड, ट्विटर सीईओ। जैक ड्रॉसी, ट्विटर सीईओ। या एकदम सही जवाब है ये, जैक ड्रॉसी। अगला सवाल टीम अलहमद के लिए। इस सियासतदान को पहचानिए, संजय रावत। संजय राउत, देखते हैं सही जवाब है या गलत। बिल्कुल सही जवाब। टीम मिल्लत के लिए अगला सवाल ये रहा। इस मस्जिद का पहचानिए, इसका नाम क्या है? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा, देखते हैं सही है या गलत जवाब।
बीबी खाना मस्जिद है पाकिस्तान की, मस्जिद अक्सा नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं टीम रईस की तरफ। ऑडियो विजुअल राउंड का आखिरी सवाल टीम रईस से ये रहा, इस मशहूर एथलेट को पहचानिए। टाइम खत्म हो गया। हाँ, मोहम्मद फराह। मोहम्मद नहीं, देखते हैं सही जवाब है या गलत। ये है माइकल फिल्प्स। यहाँ पर ऑडियो विजुअल राउंड खत्म होता है। अगला राउंड है रैपिड फायर। मैं दरख्वास्त करता हूँ जियाउर रहमान से। जियाउर रहमान, रैपिड फायर के लिए हर टीम से सवाल पूछेंगे। आप लोगों के पास एक मिनट का वक्त होगा, आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देना है। ठीक है, कहीं पर अटक गए तो आप आगे बढ़ सकते हैं फौरन पॉसिबल के। देखिए, रैपिड फायर में आपको कुल एक मिनट का टाइम दिया जाएगा। टाइमर स्टार्ट होने के बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। सबसे पहले टीम अलहमद बॉयज़, फिर टीम मिल्लत और टीम रईस से। हर सही और गलत जवाब पर कोई निगेटिव नंबर नहीं है, और जवाब आप नहीं दोगे तो भी कोई नंबर निगेटिव नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब तक आप पास नहीं कहोगे मैं दूसरा सवाल नहीं पूछूंगा। क्लियर है आपको? जी हाँ। एक मिनट, मेहमानान कराम में से एक कोई जज की जिम्मेदारी अगर संभाल ले तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम यहाँ काउंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन घाई घाई में एक दो मिस हो जाता है, तो अगर नदीम आजमी साहब इस जिम्मेदारी को कबूल करें तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एक पेन और पेपर उन तक पहुँचा दिया जाए। सर, आपको खाली यहाँ पे जब जो भी आंसर होगा तो जिया जो है वो सही या स्किप बच्चे बोल देंगे, जो सही है आपको सिर्फ वो काउंट करना है कि कितना रहेगा। बस मैं रेखता के किसी मेंबर से गुजारिश करूंगा कि नदीम आजमी साहब के पास एक पेन और एक पेपर पहुंचा दे। को सिर्फ जब मैं ये सवाल पूछूंगा तो मैं सही ऐसा कहूंगा तो वो जवाब को आपको टिप करना है। हम आखिरी में देखेंगे कि इन्होंने कितने सही जवाब दिए, मल्टीप्लाई बाय 5 हम उनको नंबर दे देंगे। हाँ, और अगर इन्होंने स्किप किया तो कोई बात नहीं, और गलत दिया तो मैं गलत कहूंगा, उसको आपको टिक करने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को क्लियर है? टीम अलहमद बॉयज़ के लिए आबादी के लिहाज से सबसे छोटी रियासत का नाम बताइए। गलत। हरियाणा के मौजूदा वजीर आला का मनोहर लाल खट्टर। सही। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सही। डायनामाइट के मस्जिद का नाम? नोबेल। सही। मध्य प्रदेश के मौजूदा गवर्नर का नाम? पास। इस्लामी साल का नौवा महीना कौन सा है? सवाल। गलत। मिथाली राज का ताल्लुक किस खेल से है? क्रिकेट। सही। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरह कौन सी है? सही। कनाडा के वजीर आजम? सही। शायर मशरक की शायर? अल्लामा इकबाल। सही। भारत रत्न का अव्वलीन खिताब किसे मिला था? सर्व बलि आदर्श। गलत। सही। सोडियम अनसुर की अलामत बताइए। सही। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही। कतर मुल्क की राजधानी क्या है? बस। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर? सही। लोकसभा के इजलास की सदारत कौन करता? नहीं, स्पीकर। स्पीकर। सही। आखिरी वाला जवाब सही था। सिक्किम है, सिक्किम उसका रकबे के एतवार से सिक्किम है। गोवा नहीं, सिक्किम जो है आबादी के लिहाज से सबसे छोटी रियासत सिक्किम है। देखिए, मैं मुखलिस से जानना चाहूंगा कि इसका सही जवाब आप देख लीजिए इंटरनेट पर। जहां तक मेरी जानकारी है इसका सही जवाब सिक्किम है। अलहमद वालों का कहना है कि इसका सही जवाब गोवा है आबादी के लिहाज से। आबादी के लिहाज से इंटरनेट पर भी सिक्किम ही बता रहा है, और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सबसे छोटी रियासत जो है वो सिक्किम है। तो 12 सही जवाब दिए। नदीम आजमी साहब का कहना है, मुखली साहब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए।
बारह आखिरी वाला सवाल का जवाब सही था 12। शारिक को चाहूंगा कि स्कोर अपडेट कर दें। 12 यानी 60 मार्क्स इनके होते हैं। रैपिड फायर के लिए अगला सवाल टीम मिल्लत हाई स्कूल से। इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम। सही। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कौन सी? राजस्थान। गलत। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सही। कशिश शक्ल की दरियाफ्त किसने की? पास। दिल्ली के मौजूदा वजीरे आला का नाम बताइए। अरविंद केजरीवाल। सही। कर्नाटक के मौजूदा गवर्नर का नाम बताइए। पास। अभिनव बिंद्रा का ताल्लुक किस खेल से है? सही। कुर्बानी किस नबी की सुन्नत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही। दौरी जुदल में पोटेशियम की अलामत क्या है? पास। निदा फाजली का असल नाम क्या है? मुक्तदा हुसैन। सही। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। सही। हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह कौन था? मोहम्मद गौरी। सही। जुनूबे हिंद का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? गोदावरी। सही। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पास। सही। हिंदुस्तान के पार्लिमानी निजाम का सरबरा कौन होता है? सदर जमुरिया। देखिए टाइम खत्म होने के बाद इन्होंने इसका जवाब दिया, जवाब सही था। सर आपका क्वेश्चन भी उस टाइम पे खत्म हुआ। जी क्वेश्चन तो मेरा टाइम खत्म होने के वक्त खत्म हुआ, तो इन्होंने जवाब दिया, मैं जानना चाहूंगा इस जवाब को एक्सेप्ट करना चाहिए। सही जवाब है सदर जमहूरिया। इन्होंने कुल 15 सवाल अटेम्प्ट किए हैं। उन्होंने दो, एक ने पास कहा और एक ने सही जवाब दिया था। सर 10 जवाब सही है, 10 जवाब सही है। जी ठीक है, उन्होंने दो जवाब दिए, एक ने पास कहा, दूसरे बच्चे ने उसका सही जवाब दिया था। हाँ जी 11 कीजिए उसको। मैं यहाँ करीब में था, शायद आपको आवाज़ नहीं आई होगी। हाँ तो दूसरे बच्चे ने उसका सही जवाब दिया था। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन का था। हाँ इलेक्ट्रॉन पे मनफी चार्ज उन्होंने कहा, पहले पास कहा फिर उन्होंने कहा कि मनफी चार्ज होता। ग्यारह जवाब सही है यानी 55 मार्क्स होते हैं। रैपिड फायर सेमीफाइनल राउंड 1 का टीम रईस हाई स्कूल से हम शुरू करेंगे। मगरीबी बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। सही। पेनिसिलिन की इजाद किसने की? सही। आबादी के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी रियासत कौन सी? सही। हिंदुस्तान के मौजूदा सदर जमहूरिया का नाम? सही। गुजरात के मौजूदा गवर्नर का नाम? विजय रूपानी। गलत। सोडियम का जोहरी अदद क्या है? 15। गलत। साइना नेहवाल का ताल्लुक किस खेल से है? टेनिस। गलत। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह कौन सी? कौसर। सही। इस्लामी साल का आखिरी महीना कौन सा है? सही। मगरीबी बंगाल के मौजूदा वजीर आला का नाम? मंडो एनर्जी। सही। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या था? मोहियुद्दीन। गलत। रोमियो एंड जूलियट किसकी तस्वीर? शेक्सपियर। सही। लाहौर किस दरिया? सही। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। सही। सूरज एक सैयारा है या सितारा? सही। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सदर कौन था? उमेश चंद बनर्जी। क्या? उमेश चंद बनर्जी। सही। आखिरी जवाब सही था। इन्होंने कुल 16 सवाल अटेम्प्ट किए, मैं जानना चाहूंगा इन्होंने कितने सही जवाब दिए। 12 सही जवाब देकर इन्होंने 60 नंबर हासिल किए, तो टीम रईस को 60 नंबर मिलते हैं। और रैपिड फायर के खत्म होने के बाद जो स्कोर है वो है टीम मिल्लत 55 नंबर। 12 सही है आपके या 12 सही है? तो 12 और भी लोग यहाँ हमारे मेंबर काउंटिंग कर रहे हैं, उनका भी 12 आया है, तो 12 सही तो दो या तीन जगह से क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में 12 सही जवाब है। तो स्कोर जो है वो टीम मिल्लत 55 नंबर पर है, टीम रईस हाई स्कूल 90 नंबर पर है और टीम अलहमद बॉयज 100 नंबर के साथ लीड कर रही है। ये है रैप। इसके बाद में एक पासिंग राउंड बचा हुआ है जिसके लिए मैं अब्दुल्ला और उमेश से गुजारिश करूंगा कि वो इस राउंड को आगे बढ़ाएं। ओके तो अलहमद से शुरू करते हैं। अलहमद के बहुत सारे बच्चे आए हुए लग रहे हैं।
ठीक है ठीक है, तो पासिंग राउंड शुरू करते हैं। टीम अलहमद के लिए पहला सवाल ये रहा, द वेल्थ ऑफ नेशन इनमें से किस मशहूर माहिर माशियात की तसनीफ करता है? ऑप्शन हैं कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, अमर्त्य सेन। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फ्रीज कर दिया गया। टीम अलहमद ने यहाँ पर कोई चांस नहीं लिया कि ये सवाल आगे जाए, वो ऑलरेडी लीड पर हैं। तो चलो देखते हैं ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब। पासिंग राउंड का अगला सवाल टीम मिल्लत के लिए, माहौलियात में होने वाले अदम तवाजुन के लिए तहरीक शुरू करने वाली 16 साल लड़की ग्रेटा थनबर्ग का ताल्लुक किस मुल्क से है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, कनाडा, स्वीडन। इंग्लैंड। इन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड। फ्रीज कर दिया गया है, देखते हैं सही है या नहीं। गलत जवाब, इनका ताल्लुक स्वीडन से है। आपके 10 मार्क्स कम कर दिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप अपने मार्क्स बचा भी सकते हैं, अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप पास कर सकते हैं उस सवाल को, ठीक है। गलत जवाब देने की सूरत में आपके मार्क्स 10 कम कर दिए जाएंगे। खैर टीम रईस की तरफ बढ़ते हैं, जिसके पास अभी एक चांस है अलहमद को पीछे करने का। देखते हैं टीम रईस के लिए उनका सवाल पेश किया जाए, इनमें से किस सहाबा का शुमार अशरा मुबशरा में नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत जैद बिन साबित, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ। ऑप्शन नंबर 2 हजरत जैद बिन साबित। हजरत जैद बिन साबित उनका जवाब है, देखते हैं सही जवाब है या गलत। और ये सही जवाब। पासिंग राउंड का अगला सवाल अलहमद बॉयज से, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की जगह किस से खरीदी थी? और आपके ऑप्शन है हजरत अबू अय्यूब अंसारी, साद और सईद, सहेल, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। वक्त खत्म होता हुआ 4 सेकंड। ऑप्शन थ्री सहल और सोहेल। ऑप्शन फ्रीज कर दिया गया है, देखते हैं सही है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर माहौल कुछ तंग, क्या करें। ठीक है टीम मेट, पहले टीम मिल्लत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है टीम मिल्लत के लिए पासिंग राउंड का सवाल पेश किया जाए, बाबरी मस्जिद केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में किस वकील ने पैरवी की? ऑप्शन है आपके मुकुल रोहतगी, राजीव चौथा, मजीद मेमन। इन्होंने कहा है मजीद मेमन, चौथा ऑप्शन फ्रीज किया जाए। और ये गलत जवाब है, सही जवाब है राजीव धवन। जफरयाब जिलानी, हाँ उस उनकी तरफ से थे, माफी चाहेंगे इसके लिए हमने ऑप्शन गलत डाला था। जफरयाब जिलानी सही आंसर है, बहुत बहुत शुक्रिया शफी मुकरी साहब रहनुमाई के लिए, अगली बार सवालात निकालने में और एहतियात बरता जाएगा हमारी तरफ से, माफी चाहेंगे उसके लिए। टीम रईस सर की तरफ बढ़ते हैं, उनका पासिंग राउंड पेश किया जाए प्लीज। वाई आई एम ए हिंदू और इन ग्लोरियस एम्पायर नामी किताबों के मुसन्निफ कौन हैं? सुब्रमण्यम स्वामी, सोहेल सेठ, शशि थरूर और अरुण जेटली। शशि थरूर। कन्फर्म। शशि थरूर को फ्रीज किया जाए।
देखते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर पासिंग राउंड खत्म होता है और ये सवाल इस राउंड का आखिरी सवाल था। इस राउंड के खत्म होते अगर अभी स्कोर दिया देखा जाए सर, वो मिल्लत के लिए सवाल था और उसमें गलत हो चुका था, अभी वो चांस नहीं दे सकते सर, ऐसे फिर हर चलता रहेगा पूरा वो तो यहाँ पे। और सर बात ये है कि टीम ने भी उस चीज पर आवाज नहीं उठाई कि मतलब अगर उनको आंसर पता होता तो वो बोलते। पहला सेमीफाइनल खत्म होने के बाद स्कोर है मिल्लत 35, रईस हाई स्कूल बहुत मुकाबला करने के बाद 120 नंबर पे दूसरे मुकाम पे रहे और अलहम्द बॉयज 130 मार्क्स के साथ फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम चाहेंगे कि टीमें अपनी जगह पे तशरीफ ले जाए और अगली स्कूलें इस मुकाबले के लिए इस स्टेज पे आ जाए।